बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले नहीं मिले ये बहुत फर्क नहीं पड़ता। समृद्धि लाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा आवश्यक। नमस्कार, आप देख रहे बिफोर प्रिंट डॉट इन, मैं हूं नमन अग्रवाल। बिहार सरकार ने अपने शासनकाल में सड़क, बिजली, शिक्षा और मेडिकल के क्षेत्र में काफी काम किया है, लेकिन दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार अभी भी नीचे के पायदान पर ही है। जदयू इसी को लेकर केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा मांग रही है, जबकि सूबे की सत्ता में भागीदारी भाजपा, उसकी तो अलग ही राय है। इस मुद्दे पर जब मुख्यमंत्री रेणु देवी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा इस मुद्दे को कहना अनावश्यक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना तर्क रखते हुए स्पष्ट किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना क्यों जरूरी है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मंत्री लेवल पर तर्क वितर्क शुरू हो गया है। इसी कड़ी में मंगलवार को जदयू और भाजपा के मंत्रियों में बयानबाजी शुरू हो गई। आइए आपको दिखाते हैं कि सत्ता में साथ रहते हुए भी उनकी राय अलग अलग क्या है। इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले नहीं मिले ये बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिहार विशेष काम करने वाला राज्य है और पिछले 15 वर्षों में बिहार ने विशेष कार्य किया है और इस बात को सभी न्यूज चैनल, मीडिया चैनल, अन्य राज्य के लोग भी इसको अप्रिशिएट करते हैं। और बिहार की जो वस्तु स्थिति है विकास के मामले में, बिहार ने एक नई लकीर खींची है। अगर आप देखिए तो पिछले 15 वर्षों में हम लोगों ने 35 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं, ये सब तो दिख रहा है ना लोगों को। 10 से अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है, 18 से अधिक पॉलिटेक्निक खोलने का इस बिहार के अंदर हम लोगों ने काम किया है, 100 से अधिक ITI खोलने का इस बिहार के अंदर हम लोगों ने काम किया है। तो काम बहुत किए हैं। बिहार विशेष काम करने के लिए जाना जाता है, विशेष राज्य का दर्जा बहुत मायने नहीं रखता है। और विशेष राज्य के का जो दर्जा मिलता है, फिर मैं बोलूंगा कि उसका भी एक पैरामीटर से, उस पैरामीटर में मैदानी भाग के जो राज्य हैं वो नॉर्मली नहीं आते हैं। अब उस पर पुनः विचार किया जाए, यह बहुत लंबे डिस्कशन का विषय हो सकता है, उन विषयों में मुझे नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि वर्तमान भारत की सरकार समय समय पर स्पेशल पैकेज दे करके बिहार अन्य राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर, विकसित राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चले, इसकी पूरी चिंता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बिहार के लिए कर रही है। सर, लगातार जो जदयू कोटे के मंत्री हो कहते हैं कि नीति आयोग कोटे का नहीं होता है, ये मंत्री सरकार होता है। दल और मंत्री चुनाव जीतने के पहले होते हैं, मंत्री परिषद की शपथ सभी लोग सामूहिक रूप से लेते हैं। और आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण करते समय किसी ने ये नहीं कहा होगा कि मैं जदयू कोटे का मंत्री इस बात का शपथ लेता हूं, मैं भाजपा कोटे का मंत्री इस बात का शपथ लेता हूं। मंत्री एक ही, मंत्री परिषद एक ही होता है और इस मंत्री परिषद के अंदर एक नेता है नीतीश कुमार जी, उपनेता के रूप में हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय हैं। इसलिए इस पर जो बार बार ये बात आती है, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। ये ठीक है, बिहार के अंदर हम सभी लोग बिहार की चिंता कर रहे हैं, बिहार को मिलकर चला रहे हैं। 15 वर्षों में NDA ने खूब बिहार को आगे बढ़ाया है, आगे भी आगे तरक्की की रास्ते पर ले जाएंगे, बिहार का समुचित विकास करेंगे, बिहार को विकसित विकास बनाएंगे, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। सवाल यह है कि जो अशोक चौधरी कहते हैं कि जो पहले कहा ना कि नीति आयोग को तो अब छोड़िए ना, अब तो नीति निर्धारित करिए, आप भी बताइए, आप भी सुझाव दीजिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप भी बताइए कि बिहार कैसे और आगे बढ़ेगा, बिहार कैसे विकसित राज्य में आएगा, इसकी चिंता हम सभी लोग मिलकर करें। कभी एक डिबेट करें इस विषय पर, आपका भी सुझाव आए, सभी लोगों का सुझाव है, और बिहार के हित में हम लोग मिलकर काम करें। इस दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है, किसी रिपोर्ट पर बहस लड़ाने की जरूरत नहीं है। सरकार की रिपोर्ट सरकार के सामने ही आईना का काम करती है और कई बार मुझे उसको चुनौती के रूप में लेना चाहिए कि जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट पर भी हम खड़े उतर कर दिखाएंगे और हमको नए मानक के साथ काम करने की आवश्यकता। आयोग के जो रिपोर्ट है उस पर आपत्ति जताई है, कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जबकि बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है, सब कुछ हम दे रहे हैं। कोई नहीं कह रहे हैं, ये मांग बहुत पहले से हम लोगों की है। और नीति आयोग ने जब कहा कि बिहार पिछड़ा राज्य है तो पिछड़े राज्य को तो मिलना ही चाहिए विशेष दर्जा, पिछड़े राज्य को ही तो विशेष दर्जा की मांग होती रही है। जब हम समृद्ध राज्य हो जाएंगे तो काहे के लिए विशेष राज्य की दर्जा की मांग करेंगे। जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो कृषि आधारित उद्योग धंधे आएंगे यहाँ, और तो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, राज्य भी समृद्धि की ओर बढ़ेगा। 9 पेज की रिपोर्ट में सर आपने क्या कुछ मांग की है? सर, 9 पेज की जो आपने रिपोर्ट सौंपी है उसमें क्या कुछ आपने खास? हमने 2 बातों का मुख्य रूप से जिक्र किया। 1, नंबर 1 की साफ समृद्ध राज्यों के कंपेरेटिवली
आप हमारा आकलन मत करिए, हमारा भूगोल अलग है, फ्लड इफेक्टेड एरिया हमारे यहाँ है, जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा है, भूगोल हमारा छोटा है, ये इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, प्रारंभिक दौर से ही ये अविकसित राज रहा है। 5 के पहले अगर आप देखिएगा तो बजट का पैसे कितने खर्च होते थे, इधर 10-15 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर में बजट हमारा बढ़ा है। ईयर वाइज मैंने फिगर उसमें दिया है कि नेशनल से भी ज़्यादा हम लोगों का रहा है प्रगति। यही कंपेरेटिव बता करके साहब की आप कंपेरेटिव चार्ट बनाइए हमारी स्थिति को विशेष तौर से देखिए। नीति आयोग के सदस्य लोग आए थे, वहाँ भी मैंने ये सवाल को उठाया था कि अब आप हरियाणा पंजाब से कृषि के मामले में हमारी तुलना कीजिएगा, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, आंध्रा से ही हमारी तुलना कीजिएगा, वहाँ का भूगोल फेडरल स्ट्रक्चर बना क्यों, संविधान वेताओं ने फेडरल स्ट्रक्चर क्यों बनाया, वन नेशन वन स्टेट होता तो अलग अलग भूगोल है, अलग अलग आबादी है, अलग अलग कल्चर है, इसीलिए तो फेडरल स्ट्रक्चर बना, यही जिक्र मैंने किया। अलायंस पार्टनर जो है आपकी पक्षधर नहीं दिखती है, विशेष जी जो आपके अलायंस पार्टनर है इसकी पक्षधर नहीं दिखती है, जो मांग आप कर रहे हैं आपके अलायंस पार्टनर है बीजेपी, इसकी पक्षधर नहीं दिखती है, ऐसा कुछ है। वो तो कहते हैं कि विशेष राज्य की क्या जो है, केंद्र इतनी सहायता कर रहा है राज्य सरकार को, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को भी कहा है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, अनडेवलप है इसलिए ना, हम लॉन्ग लॉन्ग हम समुद्री इलाका है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे यहाँ कमी थी, अब हम आगे बढ़े हैं। बिजली क्या थी, स्थिति 5 में 750 मेगावाट, उसी में भारत सरकार के रेल भी खपत करता था, नेपाल को भी देते थे, आज हम कहाँ चले गए हैं, लगभग 750 मेगावाट। सही नहीं मान रहे, लेकिन समृद्ध राज्य तो है नहीं, बाकी के स्टेट मायने है वो नहीं है। माने यही है कि समृद्धि लाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा आवश्यक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।